यहाँ पर ये आंसर की चेक करने का प्रोसीजर रहेगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने आंसर की जो है चेक कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं आंसर की चेक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अपना रोल नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। और लॉगिन करेंगे तो आपके आंसर की ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आंसर की का जो पेज है ये ओपन हो चुका है। इसको क्लोज कर दीजिएगा और यहाँ पर आप क्लिक हेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्लिक हेयर कर रहे हैं तो ये आपके आंसर की आ चुकी है, ठीक है। अब ये आंसर के आपके आने के बाद यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। ये आप लोगों का जो URL है, ठीक है, ये जो कॉपी करना है आप लोगों को, यानी ये आंसर की का जो URL है वो आप लोगों को कॉपी करना है। यहाँ पर आप जो है सर्च बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ये URL कॉपी हो जाएगा, ठीक है। प्रेस करके आप रख सकते हैं या फिर यहाँ पर कॉपी वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। ये लिंक कॉपीड हो चुका है। अब लिंक कॉपी हो चुका है, इसके बाद का क्या प्रोसीजर, अब यहाँ पर देखिए अगले पेज पर आपको आ जाना है, ठीक है। अगले पेज पर आप आएंगे गूगल में। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि गूगल वाला जो क्रोम ब्राउजर में इसको ओपन करिएगा और यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है स्टडी, ठीक है, स्टडी IQ, ठीक है, स्टडी IQ सर्च करना है, ठीक है, या फिर रैंक IQ सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे गया हूँ, ठीक है। यहाँ पर रैंक IQ आप सर्च करेंगे, ठीक है, रैंक IQ आप सर्च करेंगे और यहाँ पर आप जो है सर्च कर देंगे। अब सर्च करेंगे तो ये पहला SSC GD रैंक IQ आ चुका है। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आप लोगों को, इसको डेस्कटॉप मोड कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, ये आप लोगों का जो URL आपने कॉपी किया था वो अब यहाँ पर आप लोगों को प्रेस करना है, ठीक है। ये URL आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है ना। यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं हम। अब उसके बाद आपकी कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। आप जिस कैटेगरी से है, OBC है, EWS है, SC है, ST है, OBC सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका, आप अगर हैंडीकेप है, ठीक है, या फिर एक सर्विसमैन है फीमेल है, तो यहाँ पर आप फीमेल है तो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेल है तो यहाँ पर आप नो कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं, 1 2 3 4 करके 4 नंबर का यहाँ पर पासवर्ड बनाना है और यहाँ पर आपको सबमिट करना है। अब देखिए सबमिट करने के बाद यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, इसमें बोल रहे हैं कि यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होगी, तो आप अच्छे से कैटेगरी जो है सिलेक्ट करेंगे उसके बाद सबमिट कर देंगे। अब सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रेस होगा। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो है पूरा डाटा आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए मैं सारी चीज़ क्लियर करता हूँ कि कैसे यहाँ पर आपको पता चलेगा। देखिए ये आ चुका है और यहाँ पर मैं इसको जो है एक बार ब्रश लेके आता हूँ। अब देखिए ये आ चुका है, यहाँ पर अटेम्प कितने हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पर अटेम्प कितने हैं, करेक्ट अटेम्प कितने हैं ये यहाँ पर बता दिया है, ठीक है, रॉन्ग कितने हैं, ठीक है। और ये आप लोगों का जो है नीचे आएंगे तो यहाँ पर बता देगा कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है माइनस कितना हुआ है और टोटल स्कोर कितना है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई है। अब देखिए यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो अब नॉर्मलाइजेशन नंबर आपको कैसे चेक करना है, कितने आप लोगों को इस आंसर की जो अकॉर्डिंग है कितने नॉर्मलाइजेशन नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि पार्ट ए में आपने कितना किया है, पार्ट बी में कितना किया है, पार्ट सी में कितना किया है, पार्ट डी में कितना किया है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपके आंसर के नीचे दी भी गई है, यहाँ पर ये अलग तरीके से दे दी गई है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को आना है, देखिए क्लिक हेयर, ठीक है, क्लिक हेयर टू चेक योर रैंक, ठीक है। यहाँ से आप अपनी रैंक भी देख सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन नंबर भी देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये एड आ जाएगा, इसको क्लोज कर दीजिएगा। अब ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये आप लोगों की रैंक और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों को पासवर्ड डालना है, ठीक है, जो भी आप लोगों का पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। तो मैंने जो पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पर मैंने डाल दिया है और यहाँ पर देखिए अभी जो पासवर्ड बनाया था ना अपने आंसर की देखते समय वही पासवर्ड आपको डालना। अब यहाँ पर देखिए ये आप लोगों का रैंक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो यहाँ पर आपकी रैंक जो है 34,500 में आप लोगों की 14,000 रैंक है, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपकी रैंक जो है यहाँ पर 15,169 जो है 69 है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज शिफ्ट वाइज रैंक देख सकते हैं। अब नीचे आएंगे देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को मेंशन है। अब यहाँ पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पर दे दी गई है, ठीक है, नाम दे दिया गया है, एग्जाम का नेम दे दिया गया है और ये आप लोगों का जो है टोटल मार्क्स दिया है और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टोटल जो मार्क्स आए थे यहाँ पर 2042 आए थे, लेकिन यहाँ पर जो नंबर हो चुके हैं वो 50 हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो आंसर के हमने यहाँ पर इसका लिंक जो पेस्ट किया था इसके जो नंबर बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 6 नंबर, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अपने नॉर्मलाइजेशन नंबर अभी आप चेक कर लीजिए, यहाँ से आपकी सारी चीज़ें ये जो है 99% जो है आप लोगों को सही जो है रैंक बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी जो आंसर की वो चेक कर सॉरी नॉर्मलाइजेशन जो नंबर है वो चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ बता दें, अभी आप लोगों का जो ऑफिशियली भी नॉर्मलाइजेशन नंबर आपके जारी कर दिए जाएंगे, उससे पहले यहाँ से आप देख के जो है पता कर सकते कि आपके कितने क्या नंबर आ रहे हैं।